गाइज, आपको वो टाइम याद है जब आप किसी रिटेलर या किराने की शॉप पे सामान खरीदते थे और पेमेंट की टाइम पे छुट्टे ना होने की वजह से वो रिटेलर आपको टोफियां पकड़ा देता था और आपको मजबूरी में वो टोफियां लेनी भी पड़ती थी। बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यहाँ, लेकिन जहां पर प्रॉब्लम होती है वहां पर अपॉर्चुनिटी भी होती है और पेटीएम ने इस चीज को भांप लिया था। इसी वजह से पेटीएम ने अपनी टोफियां लॉन्च कर दी जिसका नाम पेटीएम स्वीट चेंज रखा। अब होता कुछ यूं कि अगर रिटेलर के पास चेंज नहीं होता तो वो कस्टमर को पेटीएम की टोफियां पकड़ा देता और वही पेटीएम की टोफियों पर एक यूनिक कोड होता था जिससे कस्टमर अपने पेटीएम अकाउंट में उतना ही पेटीएम कैश उस यूनिक कोड से ऐड कर लेता था। अब इससे कस्टमर को तो फ्री में टोफियां मिल गई, रिटेलर का भी फायदा हो गया और पेटीएम को नए नए डाउनलोड्स और कस्टमर मिल गए। आपको ये आइडिया कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। 2006 से पहले इंटरनेट को यूज करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के इंटरनेट एक्सप्लोरर को इस्तेमाल किया जाता था और तब गूगल का सर्च इंजन बाय डिफॉल्ट सेट होता था, लेकिन 18 अक्टूबर 2006 को माइक्रोसॉफ्ट ने गूगल को लगभग बर्बाद ही कर दिया था जब उसने गूगल सर्च इंजन को बाय डिफॉल्ट से हटाकर अपने सर्च इंजन बिंग को यूज करना शुरू कर दिया था। तब गूगल को 300 मिलियन यूजर्स का नुकसान हुआ था। गाइस, अगर तब सुंदर पिचाई गूगल में ना होते तो शायद आज गूगल का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता, क्योंकि तब सुंदर पिचाई की अगुवाई में गूगल ने अपना वेब ब्राउजर क्रोम 2008 में लॉन्च किया था जो कि आज दुनिया का नंबर वन वेब ब्राउजर है। गाइस, मान लीजिए कि आप अपनी पीठ के पीछे बैग लटका के यूं ही कहीं टहल रहे, अचानक से गलती से किसी की बंदूक की गोली अगर आपकी तरफ आ जाए तो इन दैट केस अगर आपके बैग में एप्पल का मैकबुक है तो आप बच सकते हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? गाइस, पूरी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट अपनी टेक्नोलॉजी की वजह से फेमस तो है ही। आज मैं आपको इस वीडियो में एप्पल के मैकबुक की खास बात बताने वाला हूं। गाइस, एप्पल के मैकबुक स्पेशली मैकबुक की बैटरी बुलेट प्रूफ है। जी हाँ गाइस, ये प्रूफ हो चुका है कि मैकबुक की बैटरी आपको 9mm राइफल जो कि बहुत पावरफुल होती है उसकी गोली से भी बचा सकती है। ऐसी थोड़ी दुनिया में एप्पल के प्रोडक्ट्स का नाम है। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर सब्सक्राइब। धरती गोल, सूरज गोल, चंदा गोल, अब ये सारी गोल चीजें तो ऊपर वाले ने बनाई है, कुदरत की देन है। तो इंसान ने सोचा कि क्यों ना मैं भी दुनिया का सबसे गोल ऑब्जेक्ट बनाऊं, और उसने बनाया भी। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंसान द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे गोल ऑब्जेक्ट को दिखाने वाला हूं, यानी कि वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट मेड बाय ह्यूमन। ये ऑब्जेक्ट जिस मटेरियल से बनाया गया है उसका नाम है सिलिकॉन। इनफैक्ट ये सिलिकॉन के एक आइसोटोप S28 से बनाया गया है। इसको बनाने में 1 मिलियन यूरो की लागत आई और आज के वक्त इस ऑब्जेक्ट की कीमत 10 मिलियन यूरो से भी ज्यादा है। Guys, आपको इंसान द्वारा बनाए गए इस वर्ल्ड्स राउंडेस्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहना है चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब। कभी कभार छोटी सी चीज को लेके घरों में पार्टनर्स या फिर पति पत्नी के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, हमारे ओपिनियंस मैच नहीं करते और इसीलिए हम लोग आर्ग्यूमेंट करना शुरू कर देते हैं और सेल्फ कंट्रोल ना होने की वजह से स्थिति बद से बदतर होती चली जाती है। और अगर आप ऐसी सिचुएशन से बचना चाहते हैं तो सबसे पहले जैसे ही आपको महसूस हो कि आर्ग्यूमेंट या झगड़ा शुरू होने वाला है, अपने आप को 10 मिनट के लिए उस सिचुएशन से दूर कर लीजिए और कम से कम 10 मिनट तक आप किसी भी बात का जवाब ना दीजिए और हो सके तो बाथरूम जाइए और उस हाथ से ब्रश कीजिए जनरली जिस हाथ से आप ब्रश नहीं करते हैं, जिससे आपका दिमाग उस प्रॉब्लम को एक नए सिरे से सोचेगा और हो सकता है कि आपको सॉल्यूशन भी मिल जाए और आपका इससे सेल्फ कंट्रोल भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। गाइस, एक बार आजमा के देखिए, ये मेरा ट्रिक है। आपको ये जान के कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के एक समुद्री तट फेयरवेल स्पिट पर 50 व्हेल जाकर फंस गई। वो तो किस्मत थी कि वहां पर व्हेल्स को बचाने के लिए बहुत से वॉलंटियर्स आ गए। सबसे पहले उन्होंने व्हेल्स को शांत किया, फिर उसके बाद अधिकतर व्हेल्स को समुंदर में पहुंचा दिया। लेकिन अद्भुत नजारा तब देखने को मिला जब जान बच जाने के बाद दो व्हेल्स गाना गाने लगी और वो भी खुशी में। सुनिए गाइस, ऐसा अद्भुत नजारा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस नजारे को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ चैट सेक्शन में जरूर लिखेगा। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया भर के करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है और ये बंदा भी अपने फैंस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाता है। कैसे? हाल ही में यूरो 2020 मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहुंचे, उन्होंने नोटिस किया कि माइक के पास दो सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स रखी हुई हैं। तो उन्होंने तुरंत उन सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल्स को हटाया और कैमरे के सामने पानी की बोतल को पकड़ के ये कहा, ड्रिंक वॉटर।
हालांकि वो सॉफ्ट ड्रिंक का ब्रांड पूरे टूर्नामेंट का ऑफिशियल स्पॉन्सर था, लेकिन इस बात की परवाह रोनाल्डो ने नहीं की और सही संदेश अपने फैंस को दिया। और ऐसा करके रोनाल्डो ने अपने फैंस में अपना विश्वास और मजबूत किया। गाइज, आपको रोनाल्डो की ये बात सुनके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।